नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बिल्कुल, आज मैं मुंबई शहर के जितने भी है एक एक विधानसभा की मैंने शुरुआत की है कि हर विधानसभा के अंदर हम रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, टेम्पो वाला, ट्रक वाला, जो लोग हमारे से जुड़े हुए हमारे मेंबर, उनके जाके उनके स्टैंडों पे जाएंगे, उनकी समस्या जानेंगे, उनको स्टैंड किस तरीके से लीगल होगा, उनके उनकी क्या क्या समस्या है, उनके घर तक जुड़ी हुई सारी समस्या का हम पूरा जायज़ा लेके और उनकी समस्या सॉल्व करने के लिए निकले। ये पूरा दौरा मुंबई शहर के सभी विधानसभा के इलाके के अंदर एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसा होगा। आज हमने शुरुआत की बांद्रा से, बांद्रा ईस्ट वेस्ट सांताक्रूज तक के हम लोग पूरा जाएंगे, फिर कल चेंबूर, कुर्ला, घाटकोपर, इस तरीके से एक एक विधानसभा हम लोग लेंगे और ये पूरा दौरा मुंबई शहर का पूरा कुछ 7 दिन में ख़त्म होगा। 7 दिन का दौरा खत्म होने के बाद हम लोग नवी मुंबई, पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, इस तरीके से पूरे महाराष्ट्र का दौरा, 36 जिलों का दौरा होगा। 36 जिले दौरा करने के बाद मेरे वाहतूकदारों की क्या समस्या है, मेरे ट्रांसपोर्टरों की क्या समस्या है, मेरे रिक्शा वालों की क्या समस्या है, रिक्शा के स्टैंड के क्या है समस्या है, टैक्सी वालों को आज हम कई दिनों से बोल रहे हैं कि रिक्शा वाला मुंह जोड़े हमेशा एक ही मीडिया के माध्यम से बताया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि जैसे कि बस को स्टैंड दिया गया है वैसे रिक्शा और टैक्सी को भी स्टॉप देना चाहिए। जैसा बस स्टॉप होता है वैसे रिक्शा का भी स्टॉप होना चाहिए, बस का भी स्टॉप होना चाहिए। अगर एक साधारण, अगर मैं जा रहा हूँ घाटकोपर की तरफ में, अगर जिस इंसान को बस से जाना है तो अपना रोड क्रॉस करेगा और घाटकोपर की दिशा की बस पकड़ के घाटकोपर की तरफ जाएगा। जिसको जाना है साइन की दिशा पे, वो साइन की दिशा की बस पकड़ेगा और साइन की तरफ जाएगा। लेकिन हम लोग हमारी बिल्डिंग से उतरते जो घाट साइन की दिशा में जा रहा है उसको बोलते घाटकोपर चल। कहीं ना कहीं हम गलतियां करते और रिक्शा ड्राइवर को बोलते मुंह जोड़े। जब बस के लिए अगर तुमने एक रूल सिस्टम गवर्नमेंट सरकार ने बनाया है तो वैसा रिक्शा और टैक्सी वालों के लिए भी सिस्टम होना चाहिए, ताकि ये मुंह जोड़ वाला और ये जो मारपीट और ये जो सारे जो लोग करते हैं और हमारे रिक्शा वाले को जो फाइन भरने का जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये पब्लिक डिमांड की वजह से कोई भी किसके भी रिक्शा का नंबर दे देता है और हमारे रिक्शा वाला जो 100 रुपया रोज कमाता है और उसको 500 रुपये का फाइन भरना पड़ता है, ये कहीं ना कहीं मुंबई शहर के अंदर एक नाइंसाफी हो रही है हमारे ट्रांसपोर्टर पे, रिक्शा वालों पे, टैक्सी वालों पे। कोई भी आता है, दूसरी यूनियन का भी आदमी आता है और हमारे यूनियन के लोगों को तकलीफ देने का काम करता है, जानबूझ के उनका नाम दे देता है कि ये आदमी ने मुंहजोरी की, ये हमारा भाड़ा नकारा, इस तरीके की जो। तो सरकार ने भी सोचना चाहिए कि अगर ये तुम अगर कानून बना रहे हो तो उसके पीछे का क्या क्या मकसद है, क्या क्या दिक्कत हो सकती है। आज मुंबई शहर की पहचान है रिक्शा वाला, मुंबई शहर की पहचान है टैक्सी वाला, उतना मेहनत करने के बाद हमारे रिक्शा ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर को तकलीफ दी जाती है, कहीं ना कहीं ये रुकना चाहिए। उनका खाने पीने की भी सुविधा होने के लिए अगर स्टॉप अगर बन जाता है तो कम से कम वो अपना खाने पीने के लिए 5 मिनट बैठ सकता है, अगर 5 मिनट अगर किधर वड़ा पाव खाने के लिए भी रुकता है तो टोइंग लेके चले जाती। आज मैं पूछता हूँ कि मुंबई शहर के अंदर एक रिक्शा ड्राइवर को जाके पूछो, अगर तेरे घर में ईद है तो किस तरीके की उसको समस्या का सामना करना है, उसकी माँ को अटैक आ गया या उसके घर में दिवाली है तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 100 रुपये अगर वो दिन भर में जाके कमाता है तब जाके उसके घर का चूल्हा जलता है। आज वो रिक्शा वाले, टैक्सी ड्राइवर को, जैसे विदर्भ में शेतकरी आत्महत्या कर रहे, अगर ये चीज़ नहीं रुकी तो मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर रिक्शा और टैक्सी वालों को आत्महत्या करने की बारी आएगी। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ रुकना चाहिए। ये सारी चीज़ पूरे मुंबई और महाराष्ट्र का दौरा होने के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा, मेरे ट्रांसपोर्ट मंत्री से मुलाकात करूंगा, माननीय उद्धव साहब से सब पूरी सारी बातें उनके सामने रखूंगा, मुख्यमंत्री से सारी बातें रखूंगा कि कहीं ना कहीं ये कानून आना चाहिए और ये कानून को लेकर कहीं ना कहीं इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए खास तौर पर लोग वोट मांगने निकलते हैं, हम काम मांगने निकले हैं, लोगों तक जाएंगे, लोगों का क्या समस्या है, लोगों की क्या काम है, जिसकी स्टैंड है स्टैंड, जिसके पास ऑफिस नहीं उसके घर, उनके घर तक जाएंगे। कई पदाधिकारी किसके एक साल के दौरान मैंने जो देखा, मैं भी खुद, मेरी माँ की तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए मैं एक साल पॉलिटिक्स के से थोड़ा दूर था, लेकिन अब मैं जाके उनके घर में किसकी समस्या है, किसकी फादर की डेथ हुई है उनके घर जाके उनकी मुलाकात लूँगा, किसकी माँ बीमार है उसके घर जाके मुलाकात लूँगा। ये सारी चीज़ें करते वक्त कम से कम एक मॉरल सपोर्ट मिलेगा कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को। इसीलिए पूरी टीम, वातुक सेना के जितने उपाध्यक्ष, चिटनीस, उप चिटनीस वगैरह सारे लोग, हम लोग मिलकर मुंबई शहर के अंदर ये शुरुआत हमने की, पहली शुरुआत है। उसको किस तरीके से हम लोग को डिज़ाइन करना है, किस तरीके से हम लोग हमारे ड्राइवर्स को पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हम कोर्स दे रहे, हमारे विनय मोरे और ये बाकी सारी हमारी टीम दे रही है कि वो ड्राइवर कैसा होगा, उसकी उसका लिबास कैसा होगा, ड्राइविंग करते हुए गुटखा नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग पूरी छोटी छोटी चीज़ों पर हमने ध्यान रखा है और ये सारी चीज़ जैसा ओला और उबेर में जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी हमारे काली पीली टैक्सी और रिक्शा वालों को मिलनी चाहिए।
वो जैसा उन्होंने अपना खुद का ऐप बनाया है ऑनलाइन से जिस सिस्टम से जो चल कर रहे उसी तरीके से बहुत जल्दी हम लोग ऑनलाइन सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि ऑनलाइन हमारे रिक्शा वाले को भी भाड़ा मिल जाए। मुंबई शहर के अंदर जो गरीब आदमी जो मिडिल क्लास का आदमी जो रिक्शा में जाना चाहता है उसको भी वो ऐप के जरिए रिक्शा तुरंत मिल जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग जल्दी जल्द से लाने वाले हैं। देखिए देखो छेड़खानी के जो मामले की जो बात अगर आप करेंगे तो देखो पहली बात इसके ऊपर सरकार का लगाम होना चाहिए पुलिस का लगाम होना चाहिए कि आज जो आदमी की जो हम लोग हम उस गाड़ी में बैठे उसके अंदर सेफ्टी है क्या, उस गाड़ी का ड्राइवर कौन है, उसके पास यहाँ की जैसे लाइसेंस बैज ये सारी जैसे टैक्सी वाले को बैज है उनको तो बैज नहीं है वो प्राइवेट आए उनका मालिक कौन है। अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो हम किसको पकड़ेंगे। आज अगर हम जाके बात करते कि हम उनके मालिक से बात करते उनका मालिक ही नहीं है कोई यहाँ पे। ऐसे कई ओला उबेर वाले हमारे पास है हमारे को पहले जैसे सिस्टम बताए थे कि हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा लेकिन आज उनके अकाउंट में पैसा नहीं आता है। उनको बोले तो तुमको भाड़ा ज़्यादा दिया जाएगा, आज उनके पास भाड़ा नहीं है, उन्होंने अपने खुद के पैसों से गाड़ियाँ खरीदी। मालिक ने सिर्फ एक कंपनी बनाया है लेकिन गाड़ियाँ तो हम लोगों ने खरीदे। आज जो गरीब आदमी जो गाड़ी खरीद रहा है एक आस में हर एक को आस होती वो भी स्थानिक लोग है वो भी इधर के लोग है लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी फंसाने का काम किया जा रहा है। उसके ऊपर सरकार ने ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ मालूमात लेकर मैं जल्द से जल्द मेरे पार्टी के नेताओं के पास में मंत्रियों के पास में ट्रांसपोर्ट मंत्री के पास जाके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को इस सारी पूरे दौरा होने के बाद पूरी मालूमात दूंगा और वाहतुक दारों को रिक्शा वाला टैक्सी वाला टेम्पो ट्रांसपोर्टर को न्याय देने का काम करूंगा। इसीलिए खासतौर पर यह दौरा है। राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।